हाँ बोलो क्या कहना है। भाई आप तो जानते हैं मैंने क्यों फोन किया। वो समीर, वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा है ना। हाँ भाई, और मैं चाहता हूँ इस मामले पे आप मेरी मदद करें। वो लांबा को तो देखो, लांबा की मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं, और तुमने समीर नाम की मुश्किल जो रास्ते में खड़ी की है उससे तुम्हें ही निपटना होगा। इसका मतलब भाई आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ठीक है भाई, मैं समझ गया। इस मामले को मुझे ही सुलझाना होगा। मैं समीर को खत्म करूंगा, आप देखना। आप ये मत समझना मैं इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा लगा, अच्छा लगा कि तुम्हारे हौसले अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया तो मैं भी तुम्हें कुछ इनाम देना पड़ेगा। शायद वो कुर्सी जिस पे समीर बैठा हुआ। चलो ना दीपक, फिल्म शुरू हो जाएगी, पहले खाना भी तो खाना है। अरे एक घंटा तुम्हें लगता है तैयार होने में? अब मैं तैयार हो तो गई हूँ। अरे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भाई? अब वो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ रीमा के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे भी अकेले फिल्म देखने में क्या मजा है। नहीं अच्छा, एक काम करो, फिल्म शुरू में अभी वक्त है, थोड़ा सा खाना खा के चले जाओ, ठीक है? नहीं, हम बाहर खाना खाएंगे। अरे बाहर खाना क्यों खाएंगे जब घर में खाना बना हुआ है? और वैसे भी दीपक, मैंने आज सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। एक काम करती हूँ, मैं खाना लगाती हूँ, रीमा तुम गरम गरम पराठे बना दो यार। मैं ऐसे तैयार होकर पराठे वराठे नहीं बनाऊंगी। चलो ना दीपक, हमें देर हो रही है। नहीं, बिना खाना खाए हुए इस घर से कोई नहीं जाएगा, और वैसे भी अन्न का निरादर नहीं करते। दीपक इसे कहो कि जाके पराठे बनाए। अरे रीमा, आज तो घर में इतना स्वाद खाना बना है, कितने दिनों बाद बनाया ऐसा खाना, और तेरे हाथ के पराठे तो क्या बात है भाई। चल बना ना पराठे। तो आप खुद बना लीजिए ना। हम दोनों के होते हुए माची काम करेंगी? ओह माय गॉड, ये कैसी बातें कर रही दीपक, आई मीन दिस इज नॉट डन। रीमा, रीमा जाके पराठे बनाओ। बाहर में जाए तो वहीं पिक्चर की टिकट्स, मेरी किस्मत में तो सिर्फ पराठे बनाना ही लिखा है। By the way, thanks. किस बात के? आज जो तुमने दोपहर में ऑफिस में मेरे लिए गर्मा गर्म लंच भेजा था। वैसे एक बात कहूं निकिता, मेरी आदतें मत बिगाड़ो प्लीज। तो फिर आदत डाल लो, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि हर रोज दोपहर को मैं तुम्हें ऑफिस में ही लंच भिजवा दिया करूंगी। यानी कि तुमने फैसला कर लिया है कि रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और इस घर को संभालोगी। निकिता एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो?
चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। एक मिनट, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, आज राजा आया था, मुझे कोई नई फिल्म की ऑफर देकर गया। मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। उसे कहना कि अब मुझे कोई नई फिल्म करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो घर संभालने का मैं रोल निभा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीमा, रीमा, क्या हुआ दीपक? रीमा क्या है ये? क्या? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बटन नहीं है, ये कैसी लापरवाही है? अच्छा एक काम करो, अभी दूसरी शर्ट पहन लो, मैं बाद में बटन लगा। पहन लो क्या, लेकर आओ ना। अच्छा बाबा, ला रही हूँ। दीपक, दीपक आज तुम ये वाली शर्ट पहन के ऑफिस जाना। हूँ शालिनी, ये तो बिल्कुल नई शर्ट लग रही है। हाँ, दो दिन पहले ही तो ली है, तुमने जो तनख्वाह दी थी उसी में से ली है। ओके फाइन, ये पकड़ो। ओके, वेरी नाइस शर्ट। दीपक ये लो, फेंक दो इसे गटर में। शर्ट इसे कहते हैं, देखो शालिनी लेकर आई है मेरे लिए। वैसे एक बात बताऊं, ये मेरा फेवरेट कलर है, पर ये तो काफी महंगी लग रही है मुझे। ओफो दीपक, महंगी हो या सस्ती क्या फर्क पड़ता है, मेन बात तो ये है कि तुम्हें बहुत पसंद आई। और चिंता मत करो, महीना खत्म होने से पहले तुमसे पैसे नहीं। शालिनी कितनी अच्छी तरह से तुम घर चला लेती हो, किसी और को भी ये तरीका सिखाओ कि घर कैसे अच्छी तरह से चलाया जाता है। बाय। बाय। हाँ बोलो सेठ। अरे क्या बोलो जोरावर सेठ, तुम्हारा ये जोरावर सेठ छुपते छुपाते जिंदगी जीते हुए थक गया है। आखिर शेर कब तक अपनी मान में छुपकर बैठ सकता है, उसे शिकार किए बिना चैन कहाँ। समीर पे वार करना चाहते हो ना सेठ? हाँ, उसका सिर मैं अपने कदमों में झुका हुआ देखना चाहता हूँ। जिस तरह उसने मेरे अहम को ठेस पहुंचाई है, उसी तरह मैं उसके अहम को तहस नहस कर देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे साथ की उम्मीद कर सकता हूँ? मुझे शर्मिंदा मत करो सेठ, मैं आपका नौकर हूँ। बोलो हुकुम करो, कब धावा करना है मुझे? हाँ, जब तैयारी हो ही गई है तो फिर देर किस बात की। सुनो मेरी बात, शालिनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आखिर क्या बात है जो दीपक अचानक शालिनी की तरफ खींचा चला जा रहा है और मुझसे दूर होता जा रहा है? मैं बताती हूँ। रीमा, तुम जो सोच रही हो, तुम्हारे उन सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यही सोच रही थी ना कि दीपक को आजकल शालिनी में से क्या नजर आने लगा है जो उसे मुझ में नजर नहीं आता? हाँ यही सोच रही थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने उस पर। जादू? सच बात तो यह है रीमा कि ना ही मैंने दीपक पे कोई जादू किया है और ना ही कोई टोना। असल बात तो यह है कि दीपक को आजकल मुझ में उसके होने वाले बच्चे की मां नजर आ रही है जो तुम
कभी नहीं बन सकती। दीदी नंदिनी घर में है, मुझे लगता है उसे भी खाने पे बुला। राम 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 राम, कैसी बातें करती हो, पागल हो गई हो क्या? वो अपनी मनमर्जी की मालिक है, जब जी चाहेगा खाएगी, जब जी चाहेगा उठेगी। देखा नहीं था उस दिन कैसे तमाशा किया था उसने, वही मिसाल हो जाएगी भाभी। आ बैल मुझे मार। आ गई। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि यहाँ मेरी सासू माँ बैठी है, बुआ जी बैठी है, और कोई भी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब तक लौटूंगी। वैसे सच कहूँ तो आप लोगों में ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आखिर आप दोनों समझ ही गए कि नंदिनी अपनी मर्जी की मालिक है। बुआ जी, वो आप क्या कह रही थी अभी अभी, आ बैल मुझे मार? इस अड़ियल बैल से बचकर ही रहना, ओके बाय। अरे हाँ, रात को मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए, हो सकता है शायद ना भी आऊं, बाय। ये लड़की है या आफत, कोई बला लगती है मुझे तो भाभी। लो कर लो बात, मतलब तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा ना भाभी कि ऐसी बहू से पाला पड़ेगा। छी 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 छी। अरे क्या हुआ, खाना तो खा लो। नहीं दीदी, भूख मर गई मेरे। अरे भूख मर गई है, रातों की नींद उड़ गई है, लेकिन पता नहीं कब वीर की आंखें खुलेंगी। क्या, ये कैसे हो गया? किसने ये करने की हिम्मत करी? वो कम से कम 15 से 20 लोग थे, सबके हाथ में बंदूक थी, और बंदूक की नोक के ऊपर ट्रक ले गए, और हम यूं देखते रह गए। क्या हुआ साहब? हमारा माल से भरा हुआ ट्रक किसी ने हाईजैक कर लिया, लेकिन ये काम कौन कर सकता है? हेलो। अरे समीर से कमाल है, कोई दुआ सलाम कुछ नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास इनसे बातों के लिए फुर्सत कहाँ है, है ना? तुम तो यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा ट्रक हाईजैक करने की हिम्मत किसने की। वैसे समीर कैसे लगता है जब पासा पलट जाता है? क्या करें, जोरावर के कुछ वफादार अभी भी हैं। वैसे ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब गोली तुम्हारी बंदूक से नहीं समीर, मेरी बंदूक से निकलेगी, जिसका निशाना होंगे तुम। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जोरावर कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? और ना ही वो लांबा की तरह बेवकूफ है जो इतनी आसानी से तुम्हारी गोली का शिकार हो गया। सुन रहे हो ना? हाँ? अब बंद करता हूं फोन, अब मनाओ मातम तुम्हारी हार का, मनाओ मातम तुम्हारी हार का। मनाओ मनाओ मातम तुम्हारी, मनाओ मातम तुम्हारी हार का। ये माल तो करोड़ों का होगा। अरे बात करोड़ों की नहीं है, बात ये है कि माल समीर का है। अब वो वहां मातम मनाएगा और हम यहां जश्न मनाएंगे। समीर, हम यहां जश्न मनाएंगे। अरे दीपक आ गया, चलिए अंदर चलिए। ठहरो दीपक,
तुम रीमा के साथ उसके कमरे में नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगे। वही कमरा जो कभी हमारा हुआ करता था। दीपक अंदर चलो। नहीं दीपक, मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूं, कुछ तो फर्ज तुम्हारा बनता है मेरे प्रति। तुमने कभी भी नहीं सोचा कि उस चार दीवारी में मैं अकेले क्या करती होंगी, कैसे मन लगता होगा मेरा। जैसा भी लगता हो, ये सब बातें तुम हमें क्यों सुना रही हो? रीमा, मैं इस वक्त अपने पति से बात कर रही हूं। दीपक, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें याद है पहले कैसे हम पूरी पूरी रात बातें करने में गुजारते थे, एक दूसरे को समझने में गुजारते थे? पुरानी बातें याद करा के तुम दीपक को अपने पास नहीं बुला सकती। देखो रीमा, इस बात का फैसला अगर दीपक करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये सब बातें करके तुम दीपक को अपने पास बुला लोगी? मैं दीपक की पत्नी हूँ। मैं दीपक की पत्नी, समझे ना? दीपक पर मेरा ज्यादा हक है। दीपक पर मेरा हक है। दीपक पर मेरा ज्यादा हक है। मेरा ज्यादा हक है। देखो ना, मेरी क्या गलती, मैंने कुछ गलत बोला क्या? प्लीज रिलैक्स, सुनो, शांत हो जाओ। रीमा अपने कमरे में जाओ। रीमा आई सेड गो। बदल जाती है ये दिशा।